हेलो, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने जनवरी 4 वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने 23 जनवरी से 31 जनवरी तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और अब से हर संडे को मैं एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। WEF एनुअल मीटिंग में वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री का लिस्ट रिलीज किया गया है, तो इस लिस्ट के हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री में कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 22, और इस लिस्ट में जर्मनी जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंट्री है फर्स्ट रैंक पर, और सेकंड रैंक है कनाडा का, और जर्मनी के कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। साथ में ये सब भी आपको ध्यान रखना है। CBDT, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ने किसे अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है? तो CBDT ने अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है, सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर हैं अतुलेश जिंदल, इनको इन्होंने अपॉइंट किया है, और ये सक्सीड करेंगे, अरुण कुमार जैन की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। अभी रिसेंट में RBI ने अलाउड कर दिया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कि विड्रॉल जो है वो प्री मेच्योरिटी, जो प्री मेच्योरिटी का मतलब होता है अवधि से पूर्व, जो जो भी अवधि होती है उससे पूर्व विड्रॉल कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की अवधि क्या है इस स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की अवधि क्या है? तो ये अवधि है 5 से 7 साल, ये है मीडियम टर्म की अवधि, और 12 से 15 साल है लॉन्ग टर्म की अवधि। तो इस अवधि से पहले ही अब इस स्कीम में लोग विड्रॉल कर सकेंगे, और शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है 1 से 3 साल के लिए, जिसपे इंटरेस्ट रेट है मीडियम और शॉर्ट टर्म पे 2.25% पर एनएम का, और लॉन्ग टर्म पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2.50% पर एनएम के। किस अंडर 15 बैडमिंटन प्लेयर को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी PNB मेटा लाइफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो खिलाड़ी है ये है वैष्णवी रेड्डी, वैष्णवी रेड्डी को PNB मेटा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शाखाओं से MMST लिमिटेड द्वारा किसके साथ बनाए गए इंडिया गोल्ड कॉइन को बेचने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अशोक चक्र के साथ बनाए हुए गोल्ड कॉइन को बेचने की मंजूरी दी है। इस गोल्ड कॉइन पर अशोक चक्र का चिन्ह होगा, और MMTC का पूरा नाम है मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मालदोवा के लिए किसे प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया गया है? मालदोवा का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है पावेल फिलिप को, और मालदोवा का कैपिटल है चिशिनाउ, और करेंसी है वहाँ की मालदोवियन लियू। ONGC विदेश लिमिटेड ने तेल और गैस खोज के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस अफ्रीकन देश के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है? ONGC विदेश लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है इक्वाटोरियल गिनिया के साथ, और इक्वाटोरियल गिनिया का कैपिटल है मालाबो, और करेंसी है CFA फ्रैंक। किस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट, टेलीकॉम सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट को और डेवलप करने के लिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने MOU किया है? तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनर्स। जैसा कि क्वेश्चन में ही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट का काम स्किल में डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही कर रही है, सो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं। FIPB ने हाल ही में भी FIPB ने 13 FDI को मंजूरी दे दी है, इसका क्लियरेंस कर दिया है, जो कि लगभग टोटल 6500 करोड़ रुपए का होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है FIPB का पूरा नाम क्या है? FIPB का पूरा नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और इस टोटल 6500 करोड़ रुपए में अकेला 5900 करोड़ रुपए का FDI है व्योम नेटवर्क्स का, जो कि टेलीकम्युनिकेशन टावर फर्म है, बिगेस्ट फर्म है ये। तो 6500 में एक बड़ी हिस्सेदारी है 5900 करोड़, जो कि व्योम नेटवर्क्स का है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अगले 2 वर्ष के लिए
किस स्पोर्ट्स कंपनी को अपना मार्केटिंग राइट पार्टनर नियुक्त किया है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नियुक्त किया है IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट को अगले 2 साल के लिए अपना मार्केटिंग राइट पार्टनर इन्होंने नियुक्त। कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि 5,180 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसका अभी रिसेंट में इसे फ्लैग ऑफ किया गया है, इसको हरी झंडी दिखाकर इसे शुरुआत कर दी गई है। तो कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को किसने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की? ये है केरला की CM ओमन चैंडी ने। इन्होंने मेट्रो मैन जो कि मेट्रो मैन जाना जाता है ई श्रीधरन को, उनकी उपस्थिति में इन्होंने फ्लैग ऑफ किया कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, जो कि मट्टम रेलवे यार्ड से किया गया है। और ये जो फर्स्ट फेज के लिए ये 25 किलोमीटर चलेगी, अलवाई टू पेटा को ये डिस्टेंस कवर करेगी। और ई श्रीधरन से रिलेटेड एक बात और अभी मैं बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने ई श्रीधरन को यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पर काम करेगी उसके लिए 3 साल की नियुक्ति की है ई श्रीधरन को। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जी और केरला के गवर्नर है पी सत्शिवम। पंडित शंकर घोष का रिसेंट में ही डेथ हो गया है, तो ये किस फील्ड से इनका संबंध था? ये तबला वादक थे, मशहूर तबला वादक जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते थे। 22 जनवरी को 80 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। और ये फरुखाबाद घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये आते थे। और इन्हें 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, ITC संगीत रिसर्च एकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया, और उस्ताद उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे पंडित शंकर घोष। लेटन हैविट जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेटन हैविट इन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी है, किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 2001 में US ओपन जीता था और 2002 में भी विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है। तो ये किस तेलुगु फिल्म सुपरस्टार को स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग जो कि इस साल इसका 3rd एडिशन होने वाला है के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस तेलुगु स्टार को स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है राणा दग्गुबाटी को। राणा दग्गुबाटी की अभी रिसेंट में एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म आई थी बाहुबली, जिसमें इन्होंने बाहुबली के भाई का किरदार किया था, सो आप सबको याद भी होगा। और इस टूर्नामेंट में इस बार जो ये एडिशन है 3rd एडिशन, इसमें टोटल 8 टीमें खेलेंगी। और इस साल जो कि है 2 एडिशन खेला जाएगा इसी साल। पहला एडिशन जो होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच चलेगा, और सेकंड इसका जो सीजन होगा इस स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग का, ये जुलाई से अगस्त तक चलेगा। एक्चुअली ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग की, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को हराया था, और 2015 के फाइनल में यू मुंबा ने बेंगलुरु को हराया था। और इसका मोटो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस लीग का, जीता है वही जो हार ना माने। सो आपको ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात। ग्रीन पीस इंडिया एक नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे सोशल वर्क्स करती है, जैसे टू प्रोटेस्ट फॉरेस्ट जंगलों को बचाओ में, और एयर और वाटर को क्लीन के करने के लिए, सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए, और फूड्स को सेफ करने के लिए, ये और भी बहुत सारे सोशल वर्क करती है ये ग्रीन पीस इंडिया ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो इन्होंने अपॉइंट किया है रवि चेल्लम को। रवि चेल्लम जो कि एक हाईली रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंटलिस्ट और बायोलॉजिस्ट है, इनको अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने सक्सीड किया है इन्होंने सक्सीड किया है समित एच को, इनके बदले इनकी नियुक्ति की गई है। समित एच पर 2 सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने जून 2015 में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो इनके इनके बाद इनकी रवि चेलम की नियुक्ति की गई है। विश्व की सबसे बड़ी ट्रैवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने वर्ल्ड्स बेस्ट होटल के लिए किसे अवार्ड दिया है?
तो इस ट्रिप एडवाइजर ने वर्ल्ड्स बेस्ट होटल का अवार्ड दिया है उमेद भवन को। उमेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में है, एक बहुत ही शानदार पैलेस है ये। जोधपुर जो कि राजस्थान का एक शहर है, और पहली बार कोई भारतीय होटल विश्व की सूची में फर्स्ट रैंक पर आया है, और ये है उमेद भवन। महामना एक्सप्रेस जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो कहाँ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने? इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ से इस ट्रेन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और ये ट्रेन जो है वाराणसी से दिल्ली तक जाएगी, जो कि 25 जनवरी से ये ट्रेन स्टार्ट हो गया है, और वीक में 3 दिन ये ट्रेन चलेगा। और ये एक बहुत ही इंडिया का पहला लग्जरी ट्रेन है, बहुत ही मतलब अच्छा डिजाइन के साथ इस ट्रेन को बनाया गया है। इसके सारे कोचेज जो भी हैं वो लग्जरियस हैं, और जो भी इन कोच का मॉडल है और कोच बनाया गया है वो भोपाल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति और रिचर्ड यंग को संयुक्त रूप से ग्राउंड ब्रेकिंग डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड से नामित किया गया है? इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय मूल के राहुल ठक्कर और रिचर्ड यंग को, दोनों को संयुक्त रूप से ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग डिजाइन के लिए। कौन सा रेलवे स्टेशन इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पर हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया गया है रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा? ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, जिसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस वाईफाई फैसिलिटी को लॉन्च किया गया, और जो कि रेलटेल और गूगल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट पीएम मोदी जब 2 सितंबर 2015 में गूगल के हेडक्वार्टर जो US में है वहाँ गए थे, तब उन्होंने 400 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट किया था। और इस फैसिलिटी में दिन के 24 आवर में 30 मिनट आप फ्री यूज़ कर पाएंगे नेट को, फ्री सर्फिंग और डाउनलोडिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपको चार्जेस पे करने होंगे। और 2016 में इंडिया के 100 जो कि सबसे बिजी स्टेशन है, 2016 में 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा गया है। US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा देश महिलाओं के रहने के लिए विश्व में सबसे बेस्ट कंट्री है? महिलाओं के लिए हर नज़रिए से ये सबसे बेस्ट कंट्री है। तो ये आंसर है इसका डेनमार्क। डेनमार्क जो है महिलाओं के रहने के लिए विश्व में टॉप रैंक पर है हर तरफ से, और इस लिस्ट में इंडिया का रैंक है 44। 44 रैंक है इंडिया का, जिसमें टोटल 60 कंट्रीज़ का ये लिस्ट है, जिसमें इंडिया का रैंक है 44। और सबसे वर्स्ट कंट्री रहने के लिए वो है पाकिस्तान, इसका पोजीशन है 59, और अल्जीरिया सबसे लास्ट 60 पोजीशन है। और डेनमार्क का आपको कैपिटल और करेंसी भी पता होना चाहिए, ये है कॉपेनहेगन, ये है इसका कैपिटल, और डेनमार्क का करेंसी है डेनिश क्रोन। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार साउथ एशिया रीजन का कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पोजीशन पर है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान। तो ये एशिया का देश है अफगानिस्तान, ये इस ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। PMKVY इसका पूरा नाम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स को रुपए ATM कम डेबिट कार्ड इशू किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स को इस डेबिट कार्ड में कितना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा पर एनम? तो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए का, और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। रविंद्र रेड्डी का हाल में ही डेथ हो गई है इनकी, ये किस कंपनी के, किस स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ये फाउंडर चेयरमैन थे? रविंद्र रेड्डी के लीडरशिप में ही मंगलयान मिशन प्रोजेक्ट का रॉकेट इंजन बनाया जा रहा था, तो इनका हाल में ही निधन हो गया है। ये MTAR कंपनी के ये को फाउंडर फाउंडर और चेयरमैन थे, और इस MTAR कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है।
ईपीडब्ल्यू, इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का एडिटर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये एडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रणोजय ठाकुरता को, और इन्होंने सक्सीड किया है राम मनोहर रेड्डी को, इनके बदले इनकी नियुक्ति की गई है प्रणोजय ठाकुरता की। अभी रिसेंट में ही अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है। तो क्वेश्चन है कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए? ऑप्शन है 11, 14, 10 या 12। तो 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, और ये सब 1 फरवरी से चार्ज लेंगे, जो कि 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। मैं आपको इन सब के नाम भी बता दूं। मयंक के मेहता, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए इनको नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। दीना बंधु महोपात्रा, इनकी नियुक्ति कैनरा बैंक में की गई है। विनोद कुमार कथोरिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इनकी नियुक्ति है। आर सुब्रमण्यम कुमार, इंडियन बैंक के लिए। राजकिरण राय जी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए इनकी नियुक्ति है। नागेश्वर राव वाई, विजया बैंक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। AS राजीव, इंडियन बैंक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इंडियन बैंक के लिए 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, एक है AS राजीव और दूसरे हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दोनों की नियुक्ति है इंडियन बैंक में। फिर है रमेश सिंह, देना बैंक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और जी सुब्रमण्यम अय्यर, यूको बैंक के लिए। और सुनील मेहता, कॉरपोरेशन बैंक के लिए। तो ये 10ों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये कोई भी एक नाम, ये श्योर शॉट है कि किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। सो नाम याद रखेंगे आप। एटॉरी एस्कोला, जिनका हाल में ही निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? बिजनेसमैन है, म्यूजिशियन है, डायरेक्टर है या फिर एक्टर है? तो एटॉरी एस्कोला ये एक इटालियन जाने माने फेमस डायरेक्टर है, जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड भी हैं इनकी सुपरहिट फिल्म स्पेशल डे के लिए। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने चाइना के साथ 8 MOUs की है अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए? यह स्टेट है केरला, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो किस सरकार ने चाइना के साथ 8 MOUs की है? ये है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने की है, जिससे इस MOU के तहत चाइना जो है वो इस स्टेट में लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए। और रेलटेल और गूगल ने मिलकर इंडिया के किस रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस को लॉन्च किया है? ये रेलवे स्टेशन है जयपुर, पुणे, मुंबई या लखनऊ। तो मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इस फ्री वाईफाई सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें दिन के 24 घंटे में आप 30 मिनट फ्री नेट यूज़ कर पाएंगे। एशिया पैसिफिक 2016 वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का कौन सा शहर एशिया पैसिफिक सिटीज़ में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी कि सबसे ज़्यादा धन संपत्ति वाला इंडिया का सिटी कौन सा है? तो ये इंडियन सिटी है मुंबई। मुंबई में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा संपत्ति है पूरे एशिया पैसिफिक सिटीज़ में, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है एशिया पैसिफिक 2016 वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। WEF का पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, कोलोग्नी जेनेवा में, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो इन्हें WEF ने किसे अपना बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट किया है? इन्होंने अपॉइंट किया है जिम योंग किम को, जिम योंग किम जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC अमेरिका। इनमें से किस खिलाड़ी ने मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो ये फेमस बैडमिंटन प्लेयर अभी PV सिंधु ने इस मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, और ये इनका सेकेंड मलेशिया ग्रैंड प्रिक्स है जो इन्होंने जीता है। इससे पहले इन्होंने 2013 में इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, मलेशिया ग्रैंड प्रिक्स को, और इन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस खेल में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी ग्लिमर को इन्होंने डिफीट किया, उनको हराया इन्होंने।
और इस टूर्नामेंट में जीत के साथ पीवी सिंधु को 1,20,000 डॉलर का प्राइज मनी भी मिला है साथ में। और इसी साल कुछ दिन पहले ही पीवी सिंधु ने मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है और ये कंटिन्यू 2013 से ये मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स जीत रही है। 2013 में, 14 में भी जीता और अब कुछ दिन पहले 2015 में भी इन्होंने जीता मकाऊ ग्रैंड प्रिक्स। 2015 में इन्होंने डेनमार्क ओपन भी जीता। तो ये काफ़ी फेमस प्लेयर है बैडमिंटन की जो कि हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है नजीब रजाक और कैपिटल है मलेशिया का कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बीटिंग रिट्रीट जो कि एक मिलिट्री सेरेमनी है अगरतला अखुरा बॉर्डर पे, बीटिंग रिट्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ये अप्रूव किया है 18 करोड़ रुपए का जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इस फंड को अप्रूव किया गया है। और ये टोटल बजट था 99 करोड़ रुपए का जिसमें फर्स्ट फेज के लिए 18 करोड़ का पास किया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा करेगा ये। और ये जो दिया गया है यूनियन टूरिस्ट टूरिज्म मिनिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा दिया गया है और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक सरकार। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने गृहपुत्रिका कल्याणम पाठकम स्कीम को लॉन्च किया है फॉर ट्राइबल वुमेन्स इन देयर क्वेस्ट फॉर लाइवलीहुड, ट्राइबल वुमेन्स के आजीविका को आसानी से चलाने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये गृहपुत्रिका कल्याणम पाठकम स्कीम की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये स्कीम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू ने और इस स्कीम की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर रावेला किशोर बाबू ने इस स्कीम की शुरुआत करी है। इस स्कीम के तहत जो भी बच्चों हैं, बच्चों के प्रति जो उग्र विचार हैं, खराब सोच है, उनको कम करने का काम किया जाएगा। और जो भी ट्राइबल वुमेन हैं उनकी विवाह के समय उन्हें 50,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाएगा। और ये जो उनके डायरेक्ट अकाउंट में बेनिफिट मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस के द्वारा, पर इस बेनिफिट के लिए जो भी बेनिफिशियरी होंगे उन्हें कुछ प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ भी उन्हें दिखाना होगा। साथ ही यह स्कीम जो है 7 वर्ष तक के बच्चों के न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करने पर भी काम करेगी, उन्हें पौष्टिक आहार देने का भी काम करेगी ये स्कीम। सो ये काफ़ी अच्छा पहल है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ये बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब इस बार जीता है सुरेश कोठारी ने और इन्होंने इस टूर्नामेंट में सिद्धार्थ पारेख को डिफीट किया, इनको हराकर इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता। और सौरभ कोठारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं राम नरेश यादव। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने एक पहल की शुरुआत की है सीमा दर्शन? सीमा दर्शन एक पहल की शुरुआत की है डिफेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री या कल्चर मिनिस्ट्री? तो इस सीमा दर्शन की शुरुआत की है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने जिसकी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। सीमा दर्शन नाम से ही लग रहा है, देश के से सटे जितने भी बॉर्डर हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम है ये, कोई पहल है ये। तो इस स्कीम के तहत जितने भी स्कूली बच्चे हैं सबको बॉर्डर के बारे में बताया जाएगा और वहाँ पे ले जाके घुमाया भी जाएगा जिससे कि बच्चों में देश प्रेम की भावना बढ़ेगा। सो ये सीमा दर्शन को स्टार्ट की गई है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ट्रेड और आतंकवाद जैसे प्रमुख क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए? इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है बहरीन के साथ और अभी रिसेंट में इंडिया अरब लीग कॉरपोरेशन मीटिंग भी बहरीन में इस मीटिंग को होस्ट किया गया और बहरीन का कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनियन दिनार। इनमें से किस कंट्री को ईरान के ऑयल और गैस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर से ऑर्डर कर दिया गया है?
इस कंट्री पर बैन लगा हुआ था कुछ समय से। तो ये कंट्री है जापान। जापान अब ईरान के ऑयल और गैस इंडस्ट्री में फिर से इन्वेस्ट कर सकेगा। रिसेंट में ही गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में हाउस होल्ड और टेम्पल से लगभग कितना सोना, कितना गोल्ड को डिपॉजिट किया जा चुका है हाउस होल्ड और टेम्पल्स के द्वारा। ये लगभग 900 kg गोल्ड को इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डिपॉजिट किया जा चुका है अब तक। और ये स्कीम भी काफ़ी सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और इस स्कीम के तहत आप हाउस होल्ड या मंदिर या किसी भी पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास अगर बेकार सोना पड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो इस स्कीम में डिपॉजिट कर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। और अब तक 900 kg, लगभग 900 kg गोल्ड को इस स्कीम में डिपॉजिट किया जा चुका है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि ICC बैट्समैन रैंकिंग में 5th पोजीशन पर आते ही इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट रैंक बैट्समैन बन गया है? तो ये खिलाड़ी है MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या युवराज सिंह। तो ये है रोहित शर्मा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ इनका अच्छा परफॉर्मेंस था। इनके बाद ये 5th पोजीशन पर आ गए हैं और इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट रैंक बैट्समैन बन गए हैं। निर्मला गजवानी का अभी रिसेंट में डेथ हो गई है इनकी। ये किस स्टेट असेंबली की स्पीकर थी? तो ये थी गुजरात असेंबली की स्पीकर थी। और निर्मला गजवानी का जो डेथ हुआ है वो राजकोट गुजरात में हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग्स फॉर 2016 के अनुसार कौन सा इंडियन बिजनेस स्कूल, इनमें से कौन सा इंडियन बिजनेस स्कूल है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं है? जो ये स्कूल है ये है IIMC। ये इस फाइनेंशियल ग्लोबल टाइम्स MBA रैंकिंग लिस्ट में शामिल नहीं है। इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर है इनसेड, जिसे बिजनेस स्कूल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रांस का है, फ्रांस का बिजनेस स्कूल है ये। और इस लिस्ट में ISB है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, IIMB है जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, और IIMA अहमदाबाद है ये। IIMA का रैंक है 15th और ISB का रैंक है 29 और IIMB का रैंक है 62। द नेशंस सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, देश का सेकेंड हाईएस्ट ये गैलेंट्री अवार्ड है, बहादुरी का अवार्ड है, कृति चक्र। तो ये कृति चक्र रिपब्लिक डे पर, 67th रिपब्लिक डे पर किसे दिया गया? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये दिया गया है सूबेदार महेंद्र सिंह को, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक डेरल फॉरेस्ट में आतंकवादी हमला हुआ था, जहाँ पर इन्होंने 2 आतंकवादी को भी मारा और उसी दौरान ये शहीद भी हो गए। तो इनकी बहादुरी के लिए इन्हें कृति चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और कृति चक्र को अशोक चक्र क्लास 2, जैसा कि ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है तो इसका दूसरा नाम है अशोक चक्र क्लास 2। 67th रिपब्लिक डे जो कि सेलिब्रेट किया गया राजपथ न्यू दिल्ली में, तो इस बार जो रिपब्लिक डे मनाया गया इसकी अवधि क्या थी, कितने देर तक ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चला? 80 मिनट, 115 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट? ये इस बार 90 मिनट का चला। जनरली ये हर साल 115 मिनट का होता है, लेकिन इस बार 25 मिनट कम करके 90 मिनट ही प्रोग्राम चला। और प्रोग्राम का फॉर्मेट हर बार की तरह सेम था, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। इंडिया ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ 67th रिपब्लिक डे के ओकेजन पर सेरेमोनियल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग किया है? इंडिया ने अपने पड़ोसी देश के साथ ये भूटान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये जो मीटिंग किया गया है इंडिया और चाइना के बीच हुआ है ये मीटिंग, और जो कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हुआ है, और ये LAC है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। इस मीटिंग में, सेरेमोनियल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में, दोनों देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की बात की गई इस मुद्दे पर, और दोनों देश में सीमा समझौता को लेकर भी बात हुई है। ICC, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने अभी टेस्ट रैंकिंग लिस्ट जारी की है। तो टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश पहले नंबर पर है?
तो इस बार की लिस्ट में इंडिया पहले पोजीशन पर है टेस्ट रैंकिंग में, और ये लगभग 5 साल के बाद अगस्त 2011 के बाद फिर से टेस्ट रैंक के नंबर वन पर इंडिया आ चुका है। और इंग्लैंड, इसमें वापसी जो हुई है इंडिया की, इंग्लैंड के जोहान्सबर्ग में इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका को हराने के बाद इंडिया की वापसी हुई है इस रैंक में नंबर वन पोजीशन पर। और आईसीसी का हेड क्वार्टर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में आईसीसी का हेड क्वार्टर है। इंडिया ने अपने किस पड़ोसी देश को एम्बुलेंस और बसेज डोनेट किया है वहाँ की एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को बढ़ाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए? तो ये इंडिया का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो इंडिया ने नेपाल को लगभग 40 एम्बुलेंस और 8 बसेस डोनेट किया है, और प्रेजेंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली, शॉर्ट में आप ओली टाइटल से भी याद में रख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और स्पीकर है नेपाल की अभी अंसारी घातरी मगर, ये प्रेजेंट में है, ये रिसेंट का है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। टॉलरेंस नामक बुक अभी किसने लिखी है और किसने लॉन्च किया है इस बुक को? इस बुक को लॉन्च किया है चीफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी ने, ऑन द ओकेजन ऑफ 40 कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर। इस ओकेजन पर इन्होंने 10 बुक को लॉन्च किया, जिसमें से एक ये टॉलरेंस बुक भी शामिल है। और ये जो 40वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर है, ये कोलकाता के साइंस सिटी के पास एक मिलन मेला ग्राउंड है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनमें से कौन सा देश अपना फर्स्ट मेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है अपने लगभग 5,000 मेगावाट पावर गैप को कम करने के लिए? ये एस्टेब्लिश कर रहा है पाकिस्तान अपने कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, और ये 2,000 मेगावाट का फर्स्ट फेज में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लांट प्रोटेक्शन फॉर्मूलेशन को लागू किया गया है, कानून को लागू किया गया है अपने सेफ यूजेस के लिए और पौधों को संरक्षण के लिए? ये लागू किया गया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके स्टेट इंचार्ज हैं निर्मला सीतारमन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इस टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक फिफ्थ वर्जन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कोड को भी लॉन्च किया है, जो कि भारत के चाय बागानों में पौधा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि चाय बागानों में जो भी पौधे हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उपज बढ़ाया जाए। तो ये लॉन्च किया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका शॉर्ट नाम है FIH, के अनुसार 2015 का प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है नीदरलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट वैन हर्स्ट को, और 2015 का प्लेयर ऑफ द ईयर इन वुमेन कैटेगरी दिया गया है लाइडवी ज्वेल्टन को, ये भी नीदरलैंड से हैं। और 2018 हॉकी वर्ल्ड कप मेंस ये इंडिया में होस्ट होने वाला है, इंडिया के भुवनेश्वर शहर, उड़ीसा का कैपिटल सिटी है ये भुवनेश्वर, और कलिंगा स्टेडियम में 2018 हॉकी वर्ल्ड कप में 16 टीमें खेलेंगी। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप वुमेन्स कैटेगरी का ये इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड के लंदन शहर में इसे होस्ट किया जाएगा। वीर गाथा एक बुक की सीरीज है जो कि लिखी गई है जितने भी परमवीर चक्र अवार्डी है, जो भी विजेता है परमवीर चक्र के, उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी के ऊपर ये लिखी गई बुक है वीर गाथा। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है इस सीरीज को? ये लॉन्च की है स्मृति ईरानी ने, जो कि मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, ये मिनिस्ट्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फंड अलाउ किया है, अप्रूव कर दिया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं ये 6th लेन रोड ब्रिज है, जो कि बनने के बाद इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर की होगी ये ब्रिज, आप देख रहे हैं जैसा कि। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट पास किया है,
तो ये है 11,370 करोड़ रुपए का, जो कि लगभग 1.6 बिलियन US डॉलर के बराबर होता है। और ये प्रोजेक्ट मार्च 2016 में स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कंप्लीट करने का टारगेट 2019 तक का रखा गया है। और इस जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, सेवरी नहावा सेवा ट्रांस हार्बर पोर्ट लिंक, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हो सकता है एग्जाम में ये नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम ना देकर इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। गॉड विजिटेड टू डिवोटी नामक एक स्कीम की शुरुआत की गई है। तो ये स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है? इस स्कीम के अनुसार स्थानीय मंदिर के जितने भी पुजारी हैं, वो जन्म और विवाह से संबंधित 7 विशेष अवसर पर उनके परिवारों के घर जाएंगे, उनका परिवारों का दौरा करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने 2015 के लिए कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है 30, 25, 47 या 50 लोगों को। तो ये आंसर है 50 लोगों को सम्मानित किया गया है इस जीवन रक्षा पदक से, जो अलग अलग 3 कैटेगरी में दिया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 3 3 पर्सन को दिया गया है, उत्तम जीवन रक्षा पदक 9 पर्सन को दिया गया है, और जीवन रक्षा पदक 38 पर्सन को दिया गया है। तो इस तरह टोटल 38, 9, 3 और मिला के तीनों 50 आदमी को ये पदक दिया गया है। इनमें से किस क्रिकेट टीम ने फर्स्ट ब्लाइंड T20 एशिया कप को जीत लिया है कोची में? तो ये जीता है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। तो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को डिफीट कर ये पहला ब्लाइंड T20 एशिया कप अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान को इन्होंने 44 रन से हराया, और ये फाइनल मैच खेला गया 24 जनवरी को नेहरू स्टेडियम कोची में। नेहरू स्टेडियम कोची, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। कल्पना रंजनी का रिसेंट अभी डेथ हो गई है इनकी, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? क्या ये ऑथर थी, डायरेक्टर थी, एक्ट्रेस थी या पॉलिटिशियन थी? तो कल्पना राजनानी एक मशहूर तेलुगु फिल्म स्टार, ये एक एक्ट्रेस थी, कॉमिक रोल के लिए ये फेमस थी। लगभग 300 फिल्मों में इन्होंने काम किया, और 51 ईयर की एज में इनका हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई हैदराबाद में। CRC, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अभी टू इम्प्रूव इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को बहुत आसानी से करने के लिए, इसे इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है CRC? तो ये लॉन्च किया है कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर हैं अरुण जेटली साहब। नेशंस हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र 2016, ब्रेवरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ये देश का अशोक चक्र, ये 2016 के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लेंस नाइक मोहन को, ऑन द ओकेजन ऑफ 67th रिपब्लिक डे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उनकी वाइफ भावना गोस्वामी को ये अवार्ड दिया गया। लेंस नाइक मोहन अब हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। ये 6th बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल से थे। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ के कुपवाड़ा जिले के डेरल जंगल में, जहाँ पर इन्होंने दो आतंकवादियों को भी मारा, और अपने घायल साथियों की जान बचाने के समय इनकी मौत हो गई, ये शहीद हो गए। तो ये अवार्ड नाइक मोहन को मिला है। WSA, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। तो क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है। तो इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है स्टील प्रोडक्शन का, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन में? तो इंडिया का रैंक है स्टील प्रोडक्शन में 3rd। तो इस लिस्ट के अनुसार इंडिया ने लगभग 2015 में 89.6 मिलियन टन्स स्टील का प्रोडक्शन किया है, और फर्स्ट रैंक पर है चाइना, और सेकंड रैंक पर है जापान,
और ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, तो वहाँ की करेंसी है यूरो। किस स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्ट डेवलपमेंट अपने बंदरगाहों के विस्तार के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू मैरिटाइम पॉलिसी स्टार्ट की है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है इसकी शुरुआत, और वहाँ के गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और ये लगभग अपने 720 किलोमीटर कोस्टल रीजन को बढ़ावा करेगी, उसका विस्तार करेगी। झारखंड के बाद कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है? उदय स्कीम। उदय स्कीम में शामिल होने के लिए फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड। तो ये सेकंड स्टेट है आफ्टर झारखंड, छत्तीसगढ़। और अभी रिसेंट में ही तीसरा स्टेट भी इसमें शामिल हो गया है, राजस्थान भी इस उदय स्कीम में शामिल हो गया है। और उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये उदय स्कीम जो है, ये जितने भी बिजली कंपनियां हैं उन्हें फाइनल सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलपीजी रिफिल्स और न्यू कनेक्शन के प्रोसेस को आसान बनाते हुए, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई एम आई बेसिस न्यू कनेक्शन प्रोग्राम को चालू किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये न्यू कनेक्शन के लिए कॉस्ट क्या होगा। तो ये कॉस्ट होगा 3400 रुपये का। और जैसा कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान हैं, और एलपीजी कनेक्शन जो होगा वो 24 इंस्टॉलमेंट में न्यू कनेक्शन को पे किया जा सकेगा। फॉर नॉन बीपीएल कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटी रखा गया है। और जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं उन्हें 50% का रिबेट भी मिलेगा, उन्हें छूट भी मिलेगा 50% का इस 3400 रुपये के अमाउंट में। और साथ ही अब एलपीजी रिफिल के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, आपको ऑफिस में नहीं जाना होगा, लाइन में खड़े नहीं रहना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए साइट भी है www.myLPG.in, आप यहां से अब ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। इंडिया किस देश में सैटेलाइट ट्रैकिंग और इमेजिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करेगा? तो इंडिया इस्टेब्लिश करेगा वियतनाम में, और इस इस्टेब्लिशमेंट को इसरो करेगी वियतनाम के शहर होचीमिन में, जो कि लगभग $23 मिलियन का एस्टिमेट खर्च होगा इसके ऊपर। और इस सैटेलाइट के थ्रू इंडिया चाइना और साउथ चाइना सी के ऊपर नज़र रखेगा, उसे कवर करेगा ये सैटेलाइट। और वियतनाम के कैपिटल है हनोई, और इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। किस व्यक्ति को अभी रिसेंट में बीजेपी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो इसके पहले भी थे अमित शाह, और सेकेंड टर्म के लिए भी अमित शाह को ही नियुक्त किया गया है, और ये 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। टोटल 20 स्टेट यूनिट्स में से 17 प्रपोजल इनके नाम के ऊपर मिला, तो इन्हें अगले 3 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है बीजेपी का। अभी रिसेंट में ही पुर्तगाल का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, किसे इलेक्ट किया गया है पुर्तगाल का प्रेसिडेंट? तो ये बनाया गया है मार्सिलो रेबेलो सोसा को, और इन्होंने सक्सीड किया है इनके इसके पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो थे एर्निबल केवेको सिल्वा, इनके इनसे पहले ये थे वहाँ के प्रेसिडेंट। और पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन, और करेंसी है यूरो। इम्पोर्टेंट वीक ऑफ जनवरी, इससे पहले सीरीज 3 के वीडियो में मैंने जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज थे उनको मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो सीरीज 3 में, और इस वीडियो में मैं कुछ वीक्स हैं जनवरी में उसको मैं डिस्कस करूँगा। 4 से 10 जनवरी का जो वीक मनाया जाता है वो ऑयल कंजर्वेशन वीक के रूप में मनाया जाता है, और 10 से 16 जनवरी का जो वीक होता है सेकेंड वीक ये मनाया जाता है रोड सेफ्टी वीक के रूप में, और 21 से 15 जनवरी का वीक को मनाया जाता है पिन कोड वीक के रूप में। डेज तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, कभी कभी वीक्स भी पूछ लिया जाता है, सो आपको ये भी ध्यान रखना है। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। अब से फरवरी मंथ से हर संडे को मैं करंट अफेयर का वीकली वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन में यूज़फुल होगा आपके लिए। सो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।